Good evening, everyone. I'm so glad to see everyone here. I was worried people wouldn't show up, but I'm so glad you guys were so ready to come and praise God with us. We're going to start off with a prayer by Pastor Jonathan. चलो जी सारे आंखों को बंद करेंगे परमेश्वर के चरणों में झुकेंगे दुआ करेंगे स्वर्गीय पिताजी तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दी है मेरा परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरा कलाम कहता है कि जहां दो या तीन लोग तेरे नाम में इकट्ठा है तो उनके बीच में है हम विश्वास करते हैं कि तू इस जगह पे है और जितने लोग आज इस जगह पे आएंगे वो तुझसे आशीष पाएंगे मेरे परमेश्वर तेरा कलाम कहता है कि तू सदा हमारे साथ रहता है मेरे परमेश्वर तेरे बेटे बेटियों के लिए परमेश्वर जिनको तू यहाँ लेकर के आया है तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर आज की इबादत हम सब के लिए बरकत का कारण बने प्रभु जितने लोग आ चुके हैं उनके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जो लोग रास्ते में आ रहे हैं परमेश्वर उनके रास्ते साफ करें तेरे स्वर्गीय दूत आए और परमेश्वर अपने लोगों को सेफ्टी दें सिक्योरिटी दें ताकि जितने लोग भी आज यहाँ आए तुझसे आशीष पाएं तुझसे आनंद पाएं तुझसे शांति को पाएं तसल्ली को पाएं खुशी को पाएं मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा जी आइए आज जितने भी गीत गाए जाएं वो तुझे पसंद आए पवित्र आत्मा आइए गीत गाने वालों की मदद करें साज बजाने वालों की मदद करें और हर एक चीज को हम यीशु के लहू में कवर कर देते हैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं सारी आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे फजल के लिए तेरी बेटी हाला को परमेश्वर तेरे लहू में छिपा देते हैं मेरे परमेश्वर आज लोगों को छुए मेरे परमेश्वर आज लोगों के अंदर कार्य करें मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो प्रभु तेरी तारीफ हो आज जितने गीत गाए जाएं तुझे पसंद आए जितने दुआएं हों वो तुझे पसंद आए हम सबके जीवन से यीशु का नाम जलाल पावे Thank you, Jesus, for listening my prayer. Once again, I submit every brother and sister in the mighty hand of Jesus. In the name of Jesus, we ask this prayer. Amen. Jor se bole, Amen. Over to Sister Hala. All right, we're going to get into a psalm reading. I'm going to have myself read it because the person that was going to read it isn't here today. So if you would like to follow along, it's Psalm 82. So if you have a Bible with you, you can read in Urdu or Hindi. I'm going to read in English, but feel free to follow along. So Psalm 82. Okay. God has taken his place in the divine council. In the midst of the gods, he holds judgment. How long will you judge unjustly and show partiality to the wicked? Give justice to the weak and the orphan. Maintain the right of the lowly and the destitute. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked. They have neither knowledge nor understanding. They walk around in darkness. All the foundations of the earth are shaken. I say, you are gods, children of the Most High, all of you. Nevertheless, you shall die like mortals and fall like any prince. Rise up, O God, judge the earth, for all the nations belong to you. All right, we are going to move into prayer. So if I could have Brother Sean come up and lead us through prayer. आएँ अपने सरों को झुकाएं आए खुदा हम दुआ करते हैं इस वक्त के लिए इस खूबसूरत मोमेंट के लिए यीशु बाप जब हम तेरे सामने सर नगू हैं हम शुक्र करते हैं तेरी तमाम दी गई बरकतों के लिए जो तुम्हें अता करता है यीशु बाप इस वक्त के लिए जब हम सब यहाँ पे इकट्ठा हैं यीशु बाप हम शुक्र करते हैं कि तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरे नाम को सुन सकें तेरे नाम को जलाल दे सकें यीशु बाप जो लोग इस वक्त रास्ते में हैं उनके साथ हो उनकी मदद कर उनकी हिफाजत कर ताकि वो खैर और आफियत से यहाँ पहुँच सकें जो कुछ यहाँ पे हमारे ज़ुबान से निकले यीशु बाप वो सिर्फ तेरे और तेरे तेजे जलाल देने के लिए हो ये सब कुछ मांगते हैं हमने प्यारे यीशु मसीह के नाम से आमीन Alrighty, we have a special song today, led by Sister Mariam. So Sister Mariam, if you could come up. And lead us through a song. तो चले हम गाते हैं मैं नबी ना जग में फिरता रहा कौन दिखाए मैं नबी ना जग में फिरता रहा कौन दिखाए मेरा सहारा मैं हूँ
Alrighty, well, that was a wonderful song. Now we have the opportunity to all sing together. Wavell's up here and he's going to lead us through praise and worship. But after praise and worship, we do have testimony time. So hopefully as you worship with us, that the songs inspire you to reflect on your life and all that God has done for you, so you can share that afterwards. So today we will thank God for the time that he has been with us all the time. He has been with us all the time. So हम साथ में मिलके तालियां बजा के अपने पैरों पे खड़े होके गीत गाएंगे शुक्र यहोवा दाही करो शुक्र करो यहोवा दा
तुमको बुलाता है।
I think Hala can come and lead us forward.
Alrighty, thank you, Wavell and Wavell's mom and Yvette for leading us through such wonderful worship. Now it's time for testimonies and prayer requests. So if you have a wonderful thing throughout your week that you would like to share, now is your opportunity. Or if you have a prayer request, it's the opportunity to come and share that as well. Did nothing good happen to you guys this week? Did you not wake up this morning? हाला जो शर्मिंदा करके उठा देती है वाकई वंडरफुल है सारी लाइफ एक एक पल जो गुजरता है जैसे मैं हर बार कहती हूँ कि हमें अपनी सांसों पे भी नहीं है इख्तियार कि दूसरी लेंगे या नहीं तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग हमारी जिंदगी में कि हम चलते फिरते खाते पीते घर वर्क एवरीथिंग के यू नो सो खुदा मिरेकल का खुदा है वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है तो हम जरूरी नहीं हम बड़े मिरेकल का वेट करें ये छोटे छोटे मिरेकल और सबसे ज्यादा इस चर्च के लिए तो सबसे बड़ा मिरेकल हमारे सामने बैठे हैं यू नो या हालेलुया तो ये मिरेकल्स ये हैं कि हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं यू नो तो इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है तो हर एक को खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए इस बड़े मिरेकल के लिए थैंक यू सारे जैम सीधी पास्टर यून जैम सीधी मेरी गवाही है कि मैं दो वीक पहला अपने कान विच ए स्वैप मार लिया सी ते जो मैं मारिया सी मेरे कान चो ब्लड आना शुरू हो गया ते ब्लड आने दे नाल समथिंग कुछ वाइट जिहा भी आना शुरू हो गया ते मैं पूरा वीक दो वीक पूरे स्वैलिंग रही मेरे हाफ फेस के उपर मैं कोई काम नहीं कर सकी ते मैं बहुत तंग सी मतलब इन्नी ज़्यादा पीड़ सी कि मैं खा नहीं सकती ते फिर पास्टर जी मैंने दो हॉस्पिटल भी दसी मैं उत्थे भी दिखाया उन्होंने भी थोड़ा बहुत वेख के ते चलो जी ठीक आ ते फिर बाद विच फिर मैं अपने आप से क्लेम करना शुरू कर दिता कि नहीं मैं प्रभु यीशु मसीह दे लहू दे नाल ठीक आ ते हुण मैं तुहाडे सामने मेरा कन बिल्कुल सही आ दोनों साइड तो चंगी तरह सुनदा है थैंक यू जीसस ऑलराइटी एंड ओह स्वीट रब ने मेनु जिंदगी दिती है मैं अपने चर्च लई हर रोज दो टाइम दुआ करता है तुसीं भी मेनु अपनी दुआ दे विच याद रखना Alrighty, we still have time if anyone else would like to share. सबको जय मसीह की मैं अगवाई देना चाहती हूँ अपनी नीतिस के लिए मेरे ब्रदर की डेथ हो गई थी 2020 में सॉरी सडन हार्ट अटैक ही वॉज ओनली 36 उसकी दो ट्विंस बेटियां आए थे नान्या तो उनकी मदर इस साल मार्च में शी इज अ नर्स शी यूज टू वर्क एट सीएमसी तो मार्च में यूके का उसने वर्क वीजा लगाया एंड शी गॉट इट और वो बहुत टाइम से अब ट्राई कर रही थी कि उसकी फिर उसकी मॉम की मेरी भाभी की मॉम की डेथ हो गई तो वो बहुत ट्राई कर रही थी कि उसकी बेटियां उसके पास आ जाएं तो कल 13 अगस्त को वो अब फ्लाई कर रही हैं सो Please remember them in your prayers. Thank you so much. Hallelujah. Aayo sari ecclesia nu salam. Log. Bhai sahab nu salam. मेरी गवाही ये आ भी खुदा ने मैनू घर ना ब्लैस किया असी घर बाय कर लिया
ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚਰਚ ਘਰ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਯਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਥੈਂਕ ਯੂ Alrighty, one more. So you have to bear it. मसीह में आप सब बहनों भाइयों और बच्चों को मेरा सलाम और प्यार मिले ये मेरी अपनी भी गवाही है और दूसरी गवाही मैं अपनी बेटी की भी दूंगी कि मैंने एक मेरे आर्थराइटिस है और काइंड ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस आपको पता है वो आखिरी स्टेज होती है तो मुझे मैंने इसके साथ जाना था पाकिस्तान तो डॉक्टर को मैंने बताया तो उसने मुझे मेडिसिन दी टैबलेट्स और वो टैबलेट्स थी कि हफ्ते में एक खानी थी वंस अ वीक अगर मंडे को खाई है तो अगले मंडे को एक टैबलेट खानी थी मैंने जब पाकिस्तान गई तो तब तो मैंने बड़े ध्यान से वो खाई और जब पाकिस्तान से आई तो फिर डॉक्टर ने मुझे वो दी तो मैंने कोई ख्याल नहीं किया पता नहीं क्या हो गया मेरे दिमाग को कि मैंने उसको पढ़ा भी उस डिब्बी में से जिसमें चार टैबलेट्स थी तो एक टैबलेट मैंने खाई तो अगले दिन फिर खा ली यानी सात टैबलेट्स मैंने पूरे वीक में खा ली तो जब मैंने तीसरी यानी सातवीं के बाद आठवीं खाने लगी तो मैंने कहा कि ओहो ये तो मैंने एक वीक में एक खानी थी तो मैंने हर रोज़ खा लिया मैं फिर उस डिब्बी को खोला और उसका जो पैम्फलेट था अंदर उसके सारी मैंने पढ़ी इंस्ट्रक्शंस और साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह तो साइड इफ़ेक्ट्स तो काफ़ी थे लेकिन मुझे सिर्फ नज़र आए कि कॉन्स्टिपेशन होगी थकावट होगी और वीकनेस होगी और एक और चीज़ बस ऐसे ही था भूख ख़राब होगी तो मैं डॉक्टर के पास गई और मैंने उसको बताया तो वो बड़ा हैरान हुआ लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं कहा क्योंकि उसको पता था साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और उसने मुझे क्या कहा था कि वंस अ वीक खानी और मैंने क्या किया सो जब मैंने सातवें दिन आठवें दिन खाने लगी तो मैंने कहा खुदा बाप मुझे माफ़ कर दो मुझे कोई अक्ल नहीं है मैं गुनाहगार हूँ और मैं नहीं जानती कि ये मैंने क्यों किया ये शैतान ने मुझे बहकाया और मैंने खा ली ताकि मुझे ताकत आए तो बस इसी तरह मैं मुझे कुछ नहीं हुआ मैं ये कहना मांगती हूँ कि मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ सिर्फ ये है कि उससे कुछ मुझे थकावट हो गई और बस देखें कि अब मैं ठीक हूँ और आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी वो ताकत को जो कि मैंने जॉइंट को और दवाइयाँ खा खा के ठीक किया हुआ था वो ठीक कर रही हूँ इम्प्रूव हो रही है मेरी तो ये मेरी थी कि मैंने मुझे खुदा ने बचाया है और मुझे कोई पता नहीं उसका क्या मेरी ज़िंदगी में मकसद है हाँ जी सो मैं चाहती हूँ कि वो मुझे बताए कि मैं अपनी इस दी हुई ज़िंदगी में मैं क्या करूं और 2 जून को मेरा बर्थडे होता है और वो भी उसने मुझे नया साल दिया और मैं तकरीबन 79 इयर्स ओल्ड हूँ हाँ जी और थैंक यू तो दूसरी गवाही मेरी ये है मेरी बेटी की है कि एक साल तो मैं उसके साथ गई जैसा मैंने बताया कि मैं गई और ठीक थी डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी लेकिन अगले साल वो कहने लगी कि माँ कोई बात नहीं मैं खुद चली जाती हूँ तो वो अकेली पाकिस्तान गई और रास्ते में जब वो दुबई पहुँची तो वहाँ पर उसका तकरीबन 1.5 दिन का स्टे था शायद तो वो एक हमारा बच्चा है दुबई में वो उसको घर ले गया वो वक्त पर इसको घर ले गया वक्त पर इसको अगली फ्लाइट के लिए छोड़ भी गया लेकिन फिर भी पता नहीं इसने क्या किया वहाँ जाके घूम घाम के अपनी ढूंढती रही कि कब मेरी फ्लाइट है तो इसने फ्लाइट मिस कर दी जब इसकी फ्लाइट मिस हो गई तो ये फिर आगे आई जब कोई अनाउंसमेंट सुनी होगी अकेली थी बच्चा था साथ तो जब आई अपनी फ्लाइट के लिए तो उन्होंने कहा कि तेरी फ्लाइट तो चली गई है ये रोने लगी और रास्ते में कहीं गिर भी गई थी चोट लगी घुटने पर
और जब रो रही थी और कह रही थी कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, जो इसके पास पैसे थे वो बच्चों में बांटे जहाँ घर पे स्टे किया था, तो कहने लगी कि मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है, मैं कहाँ से टिकट लूँ, रो रही थी। तो अगली फ्लाइट की लाइन लगी हुई थी, तो उसमें से एक कपल बाहर निकला और उस कपल ने क्या किया, उसको कहा डोंट क्राई, हाथ ऐसे करके, तो उसको $2,000 दे दिए। और वो कह रही थी कि मेरे पास एक भी डॉलर नहीं था माँ, सिर्फ मेरे पास कार्ड था और वो भी नहीं हो गया। तो देखे मैं इसको कहती थी अरुज ये तेरे मोहब्बत है खुदा से और लोगों से कि तू तो बड़ी जेनरस है, तू हर एक की हेल्प करती है और ख्याल करती है, तो देख खुदा ने तुझे वो दो फरिश्ते थे एंजल थे जिन्होंने तुझे 2,000 दिए थे। हाँ जी, और फिर ये अपनी फ्लाइट लेके तो घर बाखरियत वापस आ गई। तो ये भी उसकी बड़ी एक किस्म की गवाही थी कि देखो खुदा अपने लोगों की मदद करता है फरिश्ते भेजकर। और मैं उसको कहती कि रोज वो फरिश्ते थे, कौन कोई एक डॉलर भी देता है, तुझे उन्होंने $2,000 दिए और तूने टिकट ली और अपने घर आई। और फिर इसके जो मेरे ख्याल पैसे बच गए इसने फिर बांट दिए। सुखदा का शुक्र है कि अगर हम मुसीबत में उसको पुकारें तो वो हमारी सुनता है, हर वक्त सुनता है, लेकिन वो चाहता है कि हम उसको पुकारें, बुलाएं, मदद के लिए बुलाएं। सो यही मेरी दो गवाहियाँ थी जो कि मैं बड़ी देर से चाह रही थी देना, लेकिन बस हिम्मत नहीं हो रही थी। आज आज हालात को देख के मैंने कहा मैं भी हिम्मत करती हूँ। मसीह में सलाम। हाँ, मेरी गवाही तो हमेशा खुदा की एक मौजज़ात की होती है और खुदावंद हमारे साथ साथ रहता है। जब भी हम परेशान होते हैं तो खुदावंद से मदद मांगते हैं तो खुदा हमारी मदद करता है, और खुदावंद का शुक्र है खुदावंद का कि खुदावंद से जब भी मैंने मांगा है उसने, मेरी आंखें बंद होती हैं तो खुदा मुझे कहता है कि फिक्र नहीं करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो खुदावंद मेरी सारी मुश्किलों को दूर कर देता है। जय यीशु दी, खुदावंद का शुक्र हो। Alrighty, I'm so glad to hear all these wonderful testimonies. I'm going to ask Pastor Jonathan to come up and lead us through the sermon. लो जी, सिस्टर हाला के लिए जोर से ताली बजाएंगे हम, है ना? सिस्टर सोफिया, कैन यू टेक ऑल द किड्स टू द संडे क्लास? अच्छा, सिस्टर हाला ने पता कितनी देर बाद लीडिंग की है, मेरे ख्याल से 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने, 2 महीने, है ना? 2-3 महीने हो गए ना? एंड शी वॉज डूइंग अमेजिंग, है ना? जोर से ताली बजाएंगे, बस इतनी सी ताली। अच्छा, मैं आपको ना एक सरप्राइज मैंने आपको देना था, छोटा सा, है ना? मैंने लिखा भी था उसमें, तो सरप्राइज दो है एक्चुअली, ठीक है? सरप्राइज दो हैं। पहला सरप्राइज ये है कि इस महीने में अभी तक 3 बर्थडे आ चुके हैं। कितने जी? डैडी का बर्थडे, सिस्टर नसरीन का बर्थडे, भाई वेवल का बर्थडे, कोई और भी है अगस्त वाला? एक और है, इनका आने वाला है, ठीक है? तो एक तो ये सरप्राइज है कि हम सबके लिए कुछ ना कुछ आज हम प्लान करके रखे हुए हैं। अच्छा, दूसरा सरप्राइज है कि जब से हमने चर्च शुरू किया, इनफैक्ट जब से मैंने मिनिस्ट्री शुरू की है यहाँ, है ना, तो आपने मुझे ही प्रचार करते देखा है ना, तो आज हैरानी की बात यह है कि आज मेरी वाइफ भी थोड़ा सा सरमन देने वाली है। ये उसके लिए फर्स्ट टाइम है एंड शी इज गोना डू इट इन योर क्लैप्स, आपकी भरपूर तालियों में पास्टर डिम्पी। आप सबको जेम्सी की असलाम। मैं शुक्र करती हूँ खुदा का जो आज उसने मुझे मौका दिया।
खुदा के काम करने में शैतान भी हाजिर होता है, वो चाहता है कि ना करे, पर ये खुदा की मर्जी है। मैं आपको खुदा के वचन में से प्रेम के बारे बताऊंगी, ठीक है? प्रेम कैसा होना चाहिए खुदा में, हम पढ़ेंगे यूहन्ना 3:16 में। क्या आप पढ़ सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं प्यार कैसा होना चाहिए? और कोई? और कोई? Yes. और कोई बता सकता है? Okay. यूहन्ना 3:16। सोलह, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। थैंक यू पास्टर जी। तो ठीक है, ये आपने बता दिया, ये प्यार है, ठीक है? प्यार एक रिश्ता है, ठीक है? प्यार क्या है? एक रिश्ता है। रिश्ता जैसे कि एक हस्बैंड वाइफ का, माँ बाप का बच्चों से, और फ्रेंड्स का एक फ्रेंड से, राइट? वैसा। और हमारा खुदा के साथ कैसा प्यार होना चाहिए? हमारा खुदा के साथ एक डीपली प्यार। हम किसी से तो प्यार कर सकते हैं, पर खुदा से प्यार करना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हमें खुदा के साथ ऐसा प्यार करना चाहिए शायद हम अपने रिश्तेदारों से भी वैसा प्यार नहीं करते। वो हमसे नफरत करते हैं, ठीक है? हम भी इनफैक्ट हम भी उनसे नफरत करते हैं, पर हमारी बाइबल हमें सिखाती है हमें नफरत के बदले नफरत नहीं करनी चाहिए, हमें नफरत के बदले प्यार देना चाहिए। हम प्यार से सब कुछ जीत सकते हैं। प्यार के आगे हमारे कुछ नहीं है, ठीक है? हमें खुदा ने हमारे लिए अपनी जान दे दी, खुदा ने हमारे लिए अपने लिए जान दे दी थी, ठीक है? और यूहन्ना 4:10 में है, क्या पढ़ सकते हैं पास्टर जी? थैंक यू पास्टर जी। प्रेम हमें ऐसा करना चाहिए कि कोई हमारे प्रेम के आगे उसका कोई नफरत ना रह सके, हमें नफरत के बदले उसे प्यार दिखाना चाहिए। प्यार हमें इतना करें हम खुदा के बंदे हैं, ठीक है? हमें नफरत नहीं दिखानी ताकि हमें प्यार दिखा। हमारी चर्च के लिए इतनी अच्छी है, ठीक है? हम एक दूसरे से मिलते हैं, प्यार मोहब्बत से मिलते हैं ना, कोई हमारे में नफरत नहीं है, ठीक है? हम प्यार दिखाएं, हम खुदा के बंदे, हम नफरत नहीं दिखा सकते। हमें खुदा के बचनों के जरिए हमें प्यार ही दिखाना। खुदा ने हमारे लिए जान दी प्यार के खातिर, हमें भी प्यार दिखाना चाहिए और हमें प्यार में बढ़ना चाहिए। हमें कलीसिया बढ़ानी है, प्यार में बढ़ानी है, नफरत हमें छोड़नी चाहिए, प्यार में बढ़े। ये खुदा का वचन था जो मुझे खुदा ने दिया, मैं आपके सामने शेयर किया। मैं आगे इनविटेशन देती हूँ पास्टर जी को। थैंक यू सो मच। लो जी, प्यार करना है सारे ने, क्या करना है जी? प्यार करना है। मुझे वो स्टैंड दे देंगे एक बार। तो हमें क्या करना है जी? प्यार करना है। ये तीनों ही ऑन है, हालेलुया। तो आप सबका परमेश्वर की हुजूरी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे आप सबको पता है कि पहली दफा बोलना ये कितना हार्ड होता है, एंड शी डिड इट। लेट्स ऑल पुट आवर हैंड्स टुगेदर फॉर पास्टर डिंपी। David saab, congratulations for your new home. Thank you. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Dhanyavaad, dhanyavaad, dhanyavaad. Anokha pyaar hai tera, karunga stuti teri main sarvada. Anokha pyaar hai tera, karunga stuti teri main sarvada. शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से,
दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए, शून्य से लेकर तूने मुझे, शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार मिलके कहते हैं, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया ईशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के ईशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। चलो एक दफा मिलके कहते हैं, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। स्वर्गीय पिताजी, तेरा प्यार अनोखा है, उसमें कोई भी धोखा नहीं है, तेरे उस प्यार के लिए, उस मोहब्बत के लिए जो तूने हमारे जीवनों के साथ की, हालेलुया, उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अपने मुंह को खोलें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद, एटलीस्ट उसे एक बार जरूर बोलें, जीसस आई लव यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यूहन्ना, पहला यूहन्ना 4:10 में वो कहता है कि हमने थोड़ी उससे प्यार किया है, पहले उसने हमसे प्यार किया है। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो आपको बोल रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, आई लव यू, धन्यवाद, तो आपको बोलना चाहिए, आई लव यू टू डैडी, आई लव यू टू पापा, आई लव यू जीसस। अपने मुंह को खोलें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसे कहें, जीसस थैंक यू फॉर लविंग मी, हालेलुया। स्वर्गीय पिताजी, तेरा धन्यवाद तेरे बेहद प्यार के लिए, हम अपने जान जिस्म तेरे हाथ में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, जोर से बोले आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं आज के अच्छे समय के लिए, और थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, तो हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर हमारे साथ क्या बात करना चाहते हैं। तो एक बात तो हमने देख ली है, दैट हमें भी प्यार करना है जैसे यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया है। तो दूसरी बात हमने देखनी है, ही नोज यू, वो आपको जानता है, वो आपको, बोले वो आपको, फिर कहे वो मुझे जानता है। तो यीशु मसीह हम सबको ही जानते हैं, हमारे सिचुएशंस को जानते हैं, हमारे घरों को जानते हैं, हमारे एड्रेस को भी, नाम को भी, वो तारों के नाम भी, वो क्लाब मुकदस कहता है कि वो एक एक तारे को नाम लेकर बुलाता है। खुदावन यीशु सब कुछ जानते हैं, ही इज एन ओमनीशियंट गॉड, वन हू नोज एवरीथिंग। ओमनीशियंट किसे बोलते हैं? जो सब कुछ ही जानता है ना डॉक्टर अजमल साहब, ठीक है ना? ओमनीशियंट क्या बोलते हैं जिसे
सब कासे का ज्ञान हो, जिसे सब कुछ पता हो, उसे हम क्या बोलते हैं जी? ओमनीशियंट। यीशु मसीह सब कुछ जानते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आज आप उसे जानेंगे, यू विल नेवर बी द सेम अगेन इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। वो आपको जानता है। वो क्या करता है जी? इसको मास्टर थोड़ा सा बढ़ा दें, मास्टर्स, बस मास्टर्स। तो यीशु मसीह सब कुछ ही जानता है, उससे कुछ भी लुका या छिपा हुआ नहीं है। हमारे रोने को जानता है, हमारे हंसने को भी वो, हमारी खुशियों में वो शामिल है, हमारे दुखों में भी वो क्या है जी? शामिल है। आप उसे शामिल करें या ना करें, पर वो शामिल होता है। वो क्या होता है जी? शामिल होता है, चाहे आप उसे देखें या ना देखें, पर वो आपको देख रहा है। जबूर नंबर 139 में वो कहता है दाऊद कि जब मैं अपनी मां की पेट के अंदर रचा जा रहा था, दिस इज यू हु क्रिएटेड मी। कौन है जी? ये आप है जिसने मेरी हड्डियों को बुना, ये आप है जिसने सारी चीजों को बनाया। यीशु मसीह जानते हैं। आज टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो बच्चे तो पैदा कर सकते हैं, बच्चे पर कैसे पैदा कर सकते हैं, मान लो एक का दूसरे को, दूसरे को तीसरे का, डोनेशन कर करके, है ना? पर बच्चे को बनाता कौन है जी? उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। उसका नाम क्या है जी? यीशु मसीह सारा कुछ ही जानता है। यीशु मसीह क्या करता है जी? सारा कुछ जानता है। जब हम यहां आए भी नहीं थे अमेरिका में, वो तब भी हमें जानता था। अब हम आगे हैं, वो अब भी हमें, हम वहां उसको याद रखते थे, यहां कभी कभी भूल जाते, पर वो हमें कभी भी भूलता। वो जानता है। वो क्या करता है जी? जानता है और याद भी रखता है। ओके, विदाउट मिसिंग एनी टाइम, मैं आपका ध्यान ना परमेश्वर के वचन की तरफ लेकर के जाना चाहता हूं। परमेश्वर का कलाम कहता है यूहन्ना 1:43 से लेकर 51 तक, जब हम परमेश्वर के वचन को देखते तो वहां एक व्यक्ति होता है, एक नहीं, 5-6 व्यक्ति होते हैं। कितने व्यक्ति होते हैं जी? यीशु मसीह होते हैं, इंद्रियास होते हैं, फिलिपस होते हैं, और नतानियल भी होता है। कौन कौन होता है जी? और काफी लोग भी होते हैं। तो यीशु मसीह ने मिनिस्ट्री शुरू ही की थी। क्या की थी जी? मिनिस्ट्री शुरू करी थी। तो जब वो शुरू करते, ये शुरुआती दौर की टाइम है, यीशु मसीह अपने चेलों को असाइनमेंट्स देते हैं, कुछ ना कुछ काम देते हैं चर्च में, अपनी कलीसिया में क्या देते हैं जी? वो कुछ ना कुछ काम देते हैं। आप बोल रहे हो, सोच रहे होंगे कि चर्च, पास्टर साहब ने चर्च कैसे बोल दिया, तब तो चर्च थे नहीं। चर्च कलीसिया को बोलते हैं, ठीक है, मंडली को बोलते हैं, बिल्डिंग को नहीं, ठीक है। चर्च किसे बोलते हैं? कलीसिया को, मंडली को बोलते हैं। तो कलीसिया में कुछ असाइनमेंट्स दिए थे, सभी को दिए थे। तो एक व्यक्ति था जिसका नाम फिलिप था, इंग्लिश में फिलिप कहते हैं और पंजाबी में उसे फिलिपस बोल देते हैं। वो यीशु मसीह का क्या था जी? चेला था, शागिर्द था। वो शागिर्द ऐसा शागिर्द था, सारे शागिर्द अच्छे थे, सारे शागिर्दों को क्या दिया था जी? एक ड्यूटी दे रखी थी, असाइनमेंट दे रखा था। तो जो फिलिप था, इसके बारे में आज हमने देखना है कि ये क्या करता है और इसके द्वारा क्या होता है। हाँ जी, जल्दी से पढ़ देंगे सिस्टर जी। हाँ जी, पूरे पढ़ दो, कोई बात नहीं, 10 आते हैं, 10 से कम। The following day Jesus wanted to go to Galilee and he found Philip and said to him, "Follow me." Now Philip was from Bethsaida, the city of Andrew and Peter. Philip found Nathanael and said to him, "We have found him of whom Moses in the law and also the prophets wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph." And Nathanael said to him, "Can anything good come out of Nazareth?" Philip said to him, "Come and see."
Jesus saw Nathanael coming toward him and said of him, Behold, an Israelite indeed, in whom is no deceit. Nathanael said to him, How do you know me? Jesus answered and said to him, Before Philip called you, when you were under the fig tree, I saw you. Nathanael answered and said to him, Rabbi, you are the Son of God, you are the King of Israel. Jesus answered and said to him, Because I said to you, I saw you under the fig tree, do you believe? You will see greater things than these. And he said to him, Most assuredly, I say to you, hereafter you shall see heaven open and the angels of God ascending and descending upon the Son of Man. Hallelujah. तो खुदावंद का कलाम कहता है, वचन ऐसे कहता है कि जब हम इसके बारे में सीखते हैं तो यीशु मसीह अपने चेलों को कुछ को वो बोलता है कि मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे आ जाएं। और जब वो चेले उसके पीछे आते हैं उसके बाद यीशु मसीह उनको भेज दें कि आप अब लोगों के पास जाएं और उनको मेरे पास लेकर के आएं। हर एक मसीह की ये जिम्मेदारी है कि जब हम मसीह में आ जाते हैं हम अपना अपना काम शुरू कर दें। क्या कर दें जी? अपना अपना काम क्या कर दें जी? शुरू कर दें। चाहे आप कोई भी क्यों नहीं हो, कैसे भी क्यों नहीं हो, चाहे आप पढ़े लिखे हो, चाहे आप पढ़े लिखे नहीं हो, पर एक काम है वो हम सबको यीशु मसीह ने सौंपा हुआ है कि वो हम सारे करें। क्या करें जी? वो हम सारे करें। तो यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने आपको बुलाया है। हम सबको किसने बुलाया जी? यीशु मसीह ने बुलाया है। हम सबको किसने चुना है जी? यीशु मसीह ने चुना है हमको। उसने चुन लिया है बहुतों में से। देर आर सो मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड, आउट ऑफ देम Jesus Christ has chosen you and me. सभी को नहीं चुना, दुनिया बहुत बड़ी है, 7.5 billion के करीब है ना। Billions of people are living in this world. 7.5 billion है ना, उनमें से almost 3 billion तक लोग मसीह बन चुके हैं। हाँ जी, कितने जी? 3 billion तक, वैसे 2.5 के आसपास है, पर 3 billion तक होने वाले हैं। तो जितने लोग यीशु मसीह के पास आ जाते हैं, चाहे वो आप हैं चाहे मैं हूं, मेरा काम यह था कि यीशु मसीह ने मुझे चुन लिया और उसने मुझे एक संदेशा दे दिया, एक मैसेज दे दिया कि ये लोगों तक पहुंचना जरूरी है। वो मैसेज ये है, यीशु मसीह चाहते हैं कि सारे ही उसके पास आ जाए। क्या हो जाए जी? कोई भी सज्जे या खब्बे ना मुड़े, दाएं या बाएं, बोलो जी, दुनिया में या दुनियावी चीजों में कोई ना फंसे। यीशु मसीह चाहते कि सारे ही उसके पास आ जाएं। ये कौन सोच सकता है कि सारे मेरे पास आ जाएं? ये वो सोच सकता है जिसका कोई खास अलगाव हो। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूंगा कि जैसे एक मां होती है, मां अपने बच्चों को ऐसे कहती कि मेरे पास आ जाओ, क्योंकि उसे पता होता है कि ये क्या है जी, मेरे। तो यीशु मसीह हम सबको ही जानते हैं, हम सबको क्या करते हैं जी, जानते हैं। और मैंने बहुत दफा बोला भी है कि वो जो प्यार यीशु मसीह हमारे साथ करते हैं वो अनोखा ही प्यार है, मां से भी बढ़कर है। किससे बढ़कर जी? मां से भी बढ़कर वो प्यार करते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। तो यीशु मसीह आपको क्यों बचाना चाहते हैं या दूसरों को क्यों बचाना चाहते हैं? देयर इज ए बिग रीजन। वो चाहते हैं कि उसके बच्चे उसके पास आ जाएं। उसके बच्चे क्या करें जी? उसके पास आ जाएं। कोई भी मां या कोई भी बाप ये नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे दर बदर भटकते, बोलो जी, चाहता है कोई मां बाप? अच्छा, दो चीजें होती हैं। मैं बहुत दफा बोलता हूं कि हम मेडिकल फील्ड में काफी लोग हैं ना,
एक नर्स मां बन सकती है? ओरिजिनल बच्चे की मां जो होती है वो ही मां होती है, नर्स मां नहीं बन सकती। बोलो जी, बोलो। बन सकती है? नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? The duty she is doing or he is doing, the nurse is doing, she is being paid. उसको पैसे मिल जाते हैं उसके। मां को पैसे मिलते हैं? बोलो। पर फिर भी वो अपने बच्चे से क्या करती है जी? नर्स तो 8 घंटे बच्चे की टेकर कर सकती है, पर ओरिजिनल मां अपने बच्चे को जिंदगी भर, कितनी जी? जिंदगी भर अपने बच्चे की टेकर करती है, कभी भी थकती नहीं है। पता क्यों? उसे पता है कि ये मेरे या मेरा बच्चा है या मेरे बच्चे हैं। ये क्या है जी? मेरे बच्चे हैं। खुदावंद यीशु मसीह जो है ना, वो मां से भी बढ़कर है। वो चाहता है कि सारे ही उसके पास आ जाएं। ऐसे तो उसने बोला है मत्ती 11 में 28 में, वो कहता है कि हे सारे थके हुए और भार के हेठा बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे आराम दूंगा, मैं आपका बोझ हल्का कर दूंगा। क्या कर दूंगा मैं आपका बोझ? बोलो जी, हल्का। जितना भी बोझ है आजकल तो सारे डिप्रेशन में तुरे फिरते हैं, पता जो मर्जी पूछो पता नहीं क्या हुआ, टेंशन रहती है जी। क्या रहती है जी? चिंता है, परेशानी है, किसी को घर की चिंता है, किसी को बच्चों की चिंता है, किसी को किसी चीज की चिंता है। अच्छा, जिनके पास कईयों के पास सब कुछ होता है उनके पास फिर भी चिंता है। उनके पास क्या होती जी? फिर भी चिंता होती है। यीशु मसीह कहते हैं मेरे बेटे मेरी बेटी मुझे अपनी चिंता दे दे, क्योंकि मैं तेरी चिंता करता हूं। तो यीशु मसीह का पहला प्लान यह है कि वो हम सबको ही आजाद कर देने चाहते हैं सारे बोझों से, सारे चिंताओं से, सारे फिक्रों से। वो क्या कर देना चाहते हैं जी? आजाद कर देना चाहते हैं। अच्छा जी, तो हमें वो अपने पास बुलाना चाहते हैं। पहली बात क्या समझनी है जी? हमको उसने पास बुलाया है और वो चाहते हैं कि जो आसपास अपने चर्च के आसपास वो गाड़ियों में घूम रहे हैं, या इस तरफ या उस तरफ या इस तरफ या उस तरफ, है ना, दहने बाएं सज्जे खब्बे आमने सामने पीछे, जहां भी लोग हैं, यीशु मसीह चाहते हैं कि वो भी स्वर्ग जाएं। बोलो जी, क्या चाहते हैं जी? वो भी क्या जाएं? स्वर्ग जाएं। अच्छा, उसने मुझे बचा लिया, उसने आपको बचा लिया, हम तो बढ़ते जा रहे हैं। क्या हो रहे जी? हम जोर से बोलो, हम बढ़ते जा रहे हैं। इस बात की हमें खुशी है कि हम बढ़ते जा रहे हैं। इससे भी बड़ी खुशी हमें इस बात की है कि नरक खाली हो रहा है। क्या हो रहा है जी? नरक, नरक खाली हो रहा है। हम खुश हो रहे हैं, हमारे अंदर खुशी की लहरें उठ रही हैं कि लोग यीशु मसीह के पीछे आ रहे हैं, पर शैतान दुखी हो रहे हैं। क्या हो रहा है जी वो? अच्छा, यीशु मसीह चाहते हैं कि सारे बच जाएं। उसके चेले थे, इंद्रियास था, पत्रस था, यूहन्ना था, फिलिप था, वो सभी को बोलता है। तो फिलिप एक काम करते हैं, फिलिप क्या करते हैं जी डैडी? एक काम करते हैं, वो एक बंदा था जिसका नाम नतानियल था, इंग्लिश में नतानियल बोल देते हैं, वैसे नतनीएल है हिंदी में, नतानियल था। वो उसको जाके यीशु मसीह के बारे में बताता है कि जिसको हम सुनते आ रहे थे, जिसके विषय में हम पढ़ते आ रहे हैं कि वो आएगा, वो क्रिस्ट, वो यीशु मसीह आ चुका है। वो क्या हो चुका जी? आप बताएं लोगों को। उस समय भी लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, आज भी विश्वास वो नहीं करते। बोलो आप, जितना मर्जी बोली जाओ, सिर खपा लो, सिर दियां ठिकरियां पा लो, पंजाबी च असीं कहिंदे आ, ठिकरियां समझदे ना, दिमाग का दही कर लो चाहे आप, है ना, जितना मर्जी समझा लो लोगों को, बताओ जाके यीशु मसीह जिसे हम ढूंढते हैं, जो दुनिया का मुक्ति दाता है, जो आने वाला था, वो आ चुका है, अभी दोबारे आएगा, वो मानते नहीं है। वो क्या करते जी? बोलो, मानते?
नथानियल भी नहीं मानता, ये वाले नथानियल नहीं, ये तो मानते हैं, आप मानते हैं ना, वो नथानियल दूसरा था। वो क्या था जी? वो दूसरा नथानियल था, वो मानता ही नहीं था। वो बोलता कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, नासरत से, एक गांव से, एक ऐसे गांव से जो बदनाम है, उससे अच्छी चीज कैसे पैदा हो सकती है? उससे कुछ अच्छी चीज पैदा नहीं हो सकती, उसमें अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस जगह पे यीशु मसीह आ जाता है वहां चीजें अच्छी होनी शुरू हो जाती हैं। हालेलुया, वहां पे चीजें अच्छी होनी शुरू हो जाती हैं, चीजें जो सोचों में भी नहीं है। और नथानियल बोलता है वहां से कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। एक बार आप बताएं जाके यीशु मसीह के पास आ जाओ, एक बार हमारे चर्च में आ जाओ, एक बार आके देखो, दुनिया की सारी चीजें भूल जाएंगे, आप जानेंगे कि यीशु ही प्रभु है। आप जानेंगे कि यीशु मसीह ही क्या है जी। नथानियल मानता ही नहीं है जी, वो मानता ही नहीं है। फिलिपस उसको पकड़ता है, चल फिर आ जा, तुझे दिखा दूं। सामरी औरत क्या बोलती लोगों को जी, क्या बोलती? आ जाओ, मैं तुझे दिखा देती हूं, अगर आप मेरी बातों पे विश्वास नहीं करते एक बार जाके देखो। क्या करो जी? एक बार जाकर देखो, वो यीशु है, वो परमेश्वर है, एक बार जाके देखो। लोग मानते हैं, बोलो जी, एक बार फिर मान लेते हैं ना, जब एक बार जब समझ लेते हैं ना यीशु मसीह के जब पास आ जाते हैं, तो फिर वो कहते हैं, अब हम तुम्हारे कहने से नहीं, हमने खुद देख लिया कि यीशु ही प्रभु है। जितने लोग यहां बैठे हुए हैं आज, आप और मैं इस बात के गवाह हैं कि कोई भी हमें क्यों ना कुछ बोले, हम ये गवाही देते हैं कि हमने जान लिया कि यीशु ही प्रभु है। कोई कुछ क्यों ना बोले, कोई कुछ भी क्यों ना बोले, हमने जान लिया है। नथानियल को बोलते हैं, नथानियल को फिलिप साहब बोलते हैं कि आजा, मैं तुझे यीशु के साथ बात करवा देता हूं, जिसके बारे में हम बातें करते आ रहे हैं, जिसके बारे में हम सुनते आ रहे हैं मूसा के समय से। किससे जी? बोलो, किसके समय से? आज से नहीं, कल से नहीं, परसों से नहीं, हजारों साल पहले, जिसके बारे में हम सुनते आए हैं, वो आ चुका है। आ, मैं भी तुझे दिखा दूं। वो कहता नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। बोलता आ फिर दिखाऊं। जब यीशु मसीह के पास जाता है, तो यीशु मसीह के पास जब जाता है नथानियल, तो यीशु मसीह कहते हैं कि तू सच्चा इसराइली है, क्यों तू खरा इसराइली है, पर मैं तुझे इसलिए नहीं जानता कि फिलिप्पुस तुझे मेरे पास लेकर गया है। हां जी बोलो जी, मैं तुझे इसलिए, बोलो, मैं इसलिए तुझे नहीं जानता कि फिलिप्पुस मेरे पास तुझे लेकर के आया है। वो बोलता है कि जब तू अंजीर के पेड़ के नीचे बैठा था, मैंने तभी तुझे देख लिया था। कब देखा था जी? वो कहता, गुरु जी आप कहां थे, प्रभु जी आप कहां थे, रब्बी वे वर यू? वो कहता है, मैं हर जगह हूं। मैं कहां हूं जी? हर जगह हूं। आप जहां भी हैं, यीशु मसीह हमको देख रहे हैं। कई बार में लोग मिलते हैं ना, वो कहते हैं अपने दुखड़े सुनाते हैं, परेशानियां सुनाते हैं। वो कहते हैं कि ये मेरी ये समस्या है, मेरी ये प्रॉब्लम है। आपको क्या लगता है यीशु मसीह को नहीं पता? बोलो जी, पता है कि नहीं पता? कश्ती डूब रही थी, यीशु मसीह साथ ही था कि वो बाहर कहीं गया हुआ था? साथ ही था, पर जिस कश्ती में यीशु मसीह है वो कभी भी नहीं डूबती। हालेलुया, बस इतनी सी ताली परमेश्वर के लिए।
जिस नैया में यीशु मसीह है वो कभी भी डोलती या डूबती नहीं है, नहीं डूब सकती वो। जितने भी दुख आ रहे हैं, चिंताएं, परेशानियां, समस्याएं आ रही हैं, पल्ले बांध लो, यीशु मसीह आपकी कश्ती में है, वो आपको कभी भी डूबने नहीं देगा, वो कभी भी डूबने नहीं देगा। नथानियल को कहता है, मैंने तुझे देख लिया था, तू अंजीर के पेड़ के नीचे, यू आर सिटिंग अंडर द फिग ट्री। क्या कर रहा था तू? वहां बैठा हुआ था। थोड़ी सी बात और है इसमें जोड़ देता हूं, अगर यीशु मसीह थोड़ा और बताना चाहते ना कि तू कर क्या रहा था वहां, वो भी बता सकते थे, यीशु मसीह वो भी बता सकते थे। यीशु मसीह ने बोला, बस इतना हिंट ही दे दिया उसे, बैठा सी के नहीं। वो बोलता है, हां जी पर तुम कहां थे? पेड़ पे बैठे हुए थे, कहां थे? यीशु मसीह कहते हैं, मैं हर जगह हूं। मैं कहां हूं जी? बड़ा हैरान हो जाता है पैंसीमा, क्या हो जाता है वो? बोलो जी, क्या हो जाता है वो? बड़ा हैरान हो जाता है। यीशु मसीह बोलते, इतनी बात से हैरान हो गया? तू इससे बड़ी बातें देखेगा। जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने आपको बचा लिया, चुन लिया, यही बात नहीं है, यू आर गोना सी मार्वेलस थिंग्स इन द नेम ऑफ जीसस। आप बड़ी बड़ी बातें देखेंगे, ये तो अभी शुरुआत है। ये क्या है जी? अभी ये तो शुरुआत है। आपने यीशु मसीह का दामन थाम लिया ना, पल्लू पकड़ लिया आपने उसका, ये तो क्या है? अभी शुरुआत है। नतानियल को यीशु मसीह बोलते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, बस तू इसी बात से बड़ा चंबा हो गया, तुझे खुशी हो गई कि मैं तुझे जानता हूं, तू देखेगा कि परमेश्वर के दूत मनुष्य के पुत्र के पास आया करेंगे, जाया करेंगे। और जितने लोग आज यहां बैठे हुए हैं, जितने लोग यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह अपने दूतों को आपके जीवन में भेजने के लिए जा रहा है, वो आते भी दिखेंगे और जाते भी दिखेंगे, आपके जीवन में ऐसे काम होंगे। बस इतने से खुश ना हो जाए कि यीशु मसीह मुझे जानते हैं, अभी तो आपने दूतों के साथ मिलना है। किसके साथ जी? फरिश्तों के साथ अभी तो मुलाकात होनी है। यू आर गोना बी टच्ड बाय द होली स्पिरिट। और जब पवित्र आत्मा आपको छुएगा, जब पाखरू आपको छुएगा, आप पूरी तरह से बदल जाएंगे यीशु के नाम से। आप पूरी तरह से क्या हो जाएंगे जी? ये छोटा सा लेवल है ना, आपने बस यीशु मसीह को जाना, इतना काफी नहीं है, इतना काफी नहीं है। सामरिया के लोगों ने बोला, अभी हमने देख लिया है कि यही सच्चा परमेश्वर है। सामरिया के लोगों ने क्या देखा जी? देख लिया कि यही सच्चा परमेश्वर है, इसके बिना मक्खियों पर किया जी उजाड़, यीशु के बिना मुक्ति। बोलो जी, मैं एक पाकिस्तानी जेड़े तकरीर करते ने, उसको क्या बोलते हैं, मौलवी साहब, मैं उनका एक वो सुन रहा था, वो यीशु मसीह को खुदा मानते ही नहीं है, वो खुदा थोड़ी मानते, वो कहते हैं हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं पर एज ए खुदा नहीं, एज ए सन, जैसे हम सारे आम इंसान है, यीशु मसीह भी क्या था जी? एक आम इंसान था, वो जैसे हम यीशु मसीह परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, आप ही मैं भी, वैसे वो भी था, उसको खास थोड़ी मानते हैं। वो बोलते हैं वो भी हमारे जैसे क्या था जी? आम ही था। अभी आम व्यक्ति को बोलो कि मुर्दे जिंदा करके दिखाए, बोलो जी, अभी आम व्यक्ति को बोलो भी भाई तू भी मुर्दा जिंदा कर, तू भी लंगड़े चला, एक ही कर सकता है जो उसका नाम है यीशु मसीह, जो खुद परमेश्वर है वो कर सकता है, उसका नाम यीशु मसीह है, हिज नेम इज जीसस, वो कर सकता है। पता क्यों कर सकता है वो? पता क्यों कर सकता है? क्योंकि वो ही खुदा है। उसने बोला, मैं और मेरा पिता, बोलो जी कितने, 2 3 4 5 6 कितने, मैं और पिता
एक ही है जिसने मुझे देखा, उसने उसने बाप को देख लिया, उसने पिता को देख लिया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही कौन था? परमेश्वर। फिर वचन, वचन कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह जिस जिंदगी में आ जाता है वो जिंदगियां बदल जाती हैं। हालेलुया, वो जिंदगियां बदल जाती हैं। आपके जीवन बदल चुके हैं और बदलते जाएंगे यीशु के नाम से। He knows you. नतानियल को बोलता है मैं तुझे जानता हूं। मैं तुझे क्या करता हूं? जानता हूं मैं तुझे। आज जितने लोग इस हॉल के अंदर बैठे हुए हैं ना, हम सबको यीशु मसीह जानते हैं। यू आर नॉट हेयर बाय चांस। ऐसे नहीं आप आ गए, यीशु मसीह आपको लेकर आए। वो जानते हैं कि आप कहां थे, किस भीड़ में थे, वहां से आपको लेकर के आए हैं। कहां से जी? जहां भी भीड़ में थे ना आप, वहां से आपको उसने उठा लिया। अभी आपने देखा यहां आके प्रेयर मीटिंग की, परमेश्वर कैसे काम कर रहे हैं ना, सारी चीजों को आपने देखा। आप खुश हो गए हैं। आप क्या हो गए जी? खुश हो गए हैं। यीशु मसीह ने बोला छोटी सी बात से खुश मत हो, तू इससे बड़ी बड़ी बातें देखेगा। जितने लोग इस चर्च में आ चुके हैं या आ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, यू आर गोना सी बिगर थिंग्स देन दिस। बड़ी बड़ी बातें आप देखने के लिए जा रहे हो। मुझे नहीं पता कैसे होगा, पर एक है जो सारा कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, उसका नाम यीशु मसीह है। उसका नाम क्या है जी? यीशु मसीह है। एक बार उसके पास आ जाएं बस। क्या करें जी? उसके पास आ जाएं। वजह कोई भी हो सकती है, हमारा एक ही काम है कि हम लोगों तक यीशु का संदेश पहुंचा दें कि आ जाओ मैं तुझे यीशु मसीह दिखाऊं। कौन दिखाऊं तुझे? जिस मसीहा की आप बात करते हो, या लोग जिसे ढूंढते फिरते हैं, मोक्षा को ढूंढते फिरते हैं। हिंदुइज्म में क्या जी? मोक्ष को ढूंढते हैं, मुक्ति को ढूंढते फिरते हैं लोग। नंगे पांव चलते हैं, कांटों के साथ अपने आप को कांटते हैं, है ना, पता नहीं क्या क्या करते हैं। बीमारियों के साथ लोग ग्रसित हैं, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियों के साथ ग्रसित हैं। सारे ढूंढ रहे हैं कि सच्चे परमेश्वर को हमें मिलना है। हमें क्या करना है जी? आज से जाकर बताएं कि सच्चा परमेश्वर मिल चुका है। उसका नाम यीशु मसीह है। जोर से ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। उसका नाम यीशु मसीह है। जो बातें पहले नहीं हुई वो आज से होनी शुरू हो जाएंगी यीशु के नाम से, होंगी यीशु के नाम से। आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सामने झुक जाएं। यीशु मसीह ने उससे कहा मैं सच सच तुझसे कहता हूं, सच मुझ तुझे कहता हूं कि तू इससे बड़ी बड़ी बातें देखेगा। सचमुच, सच सच सचमुच। 25 बार यूहन्ना की पुस्तक में ये यीशु मसीह ने बोला है, सचमुच मैं तुझसे कहता हूं, सच्ची में कहता हूं, कोई झूठ नहीं बोल रहा। मरियम को परमेश्वर ने बोला कि इसने अच्छा हिस्सा चुन लिया है। मार्था को परमेश्वर ने कहा हे मार्था तू बहुत ही बातों की चिंता करती है, मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया है। जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, ऑनलाइन हमें देख रहे हैं या इसके बाद देखेंगे, आपने अच्छा हिस्सा चुन लिया है। हो सकता है कि नतानियल की तरह आपके अंदर बहुत सारे सवाल हो, हो सकता है कि आपके सवालों के जवाब यीशु मसीह के चेलों के पास ना हो, हो सकता है कि पासबानों के पास आपके सवालों के जवाब ना हो। एक बार यीशु के पास आ जाए वो हर सवाल का जवाब आपको दे देगा। आप सोच रहे होंगे कि मेरे सवाल का जवाब ऐसे कैसे हो सकता है,
मैं कैसे जवाब दूंगा, मुझे कौन देगा, कौन कौन मेरे मेरे उत्तर देगा? एक है जो सारी बातों को जानता है, आपका नाम जानता है, तारों का नाम जानता है, हर एक चीज को जानता है, उसका नाम यीशु मसीह है। वो सारे सवालों का जवाब आपके लिए रेडी करके रख के बैठा हुआ है, उसके पास आ जाएं। वो कहता है, हे सारे थके हुए लोगों, मेरे पास आ जाओ, मैं तुझे आराम दूंगा, मुझे अपना लो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अपने स्थानों पे खड़े होंगे, यीशु मसीह को अपने जीवन में आने दें। आप बड़े बड़े कामों को देखने के लिए जा रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पे विश्वास रखते हैं वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेंगे। आपके जीवन में, आपके घर में बड़े बड़े काम होने के लिए जा रहे हैं यीशु के नाम से। आपके परिवार में बड़े बड़े काम होने के लिए जा रहे हैं, हमारी कलीसिया में बड़े बड़े काम होने के लिए जा रहे हैं, आपके जीवन में बड़े बड़े काम होने के लिए जा रहे हैं। यीशु मसीह कहते हैं, जो मुझ पे विश्वास रखते हैं, जो मुझ पे ईमान रखते हैं, वो मुझसे भी बड़े बड़े कामों को करेंगे। आपका विश्वास आपको नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर के जा सकता है। यीशु मसीह आपको जानते हैं, इसीलिए वो आपको नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर के जाना चाहते हैं। आप कहां भी क्यों ना हो, यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। अपने मुंह को खोले, परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहें, यीशु मसीह, मैं तेरे पास आ चुका हूं। यीशु मसीह, मैं तेरे पास आ चुका हूं। हालेलुया। वो आपको चलाना चाहते हैं। वो आपकी देखरेख करना चाहता है। वो आपको वो चीजें दिखाना चाहता है जो आपने देखी भी नहीं है। धन्यवाद, धन्यवाद। जो आपकी सोचों में नहीं है, आपके ख्वाबों में नहीं है। वो कहता है कि मैं वो चीजें, वो बरकतें आपको दूंगा जो आंखों ने देखी नहीं है, कानों ने सुनी नहीं है। फिलिप्पस और नतानियल यीशु मसीह के पास आते हैं। जब तो यीशु मसीह नतानियल को कहते हैं, ये छोटी छोटी बातें देखकर तो खुश हो गए, इंप्रेस हो गए, तो इससे बड़ी बड़ी बातें देखेगा। आप अपने जीवन में बड़ी बड़ी बातें देखेंगे यीशु के नाम से। आमीन, 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 आमीन। बड़ी बड़ी बातें देखेंगे यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग पिता जी, हम तेरे पास आते हैं, तेरी सारी आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु, तेरा कलाम कहता है कि ये तो छोटी छोटी बातें हैं, तू हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करने के लिए जा रहा है। मेरे परमेश्वर, हमारे घरों में, हमारे स्थानों में, वर्क प्लेसेस के ऊपर यीशु मसीह, तू बड़े बड़े कामों को करने के लिए जा रहा है। यीशु मसीह के नाम से सियाटल में बड़े काम हो मेरे परमेश्वर, वाशिंगटन में बड़े काम हो यीशु के नाम से, यूएस के अंदर बड़ा बदलाव आ जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। प्रत्येक भाई के अंदर, प्रत्येक बहन के अंदर, प्रत्येक बच्चे के अंदर जो यहां बैठा हुआ है, ऑनलाइन सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से बड़ा बदलाव आए मेरे परमेश्वर। तेरा शुक्र हो, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। जो से बोले आमीन, हालेलुया। आप सब बैठ सकते हैं। एक दो चीजें जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, आप जल्दी से बैठ जाएं, वी आर ऑलमोस्ट डन। तो आप सबको पता है कि बर्थडे तीन तीन है हमारे पास, कितने जी, तीन तीन बर्थडे जब हो तो सेलिब्रेशन ना हो तो वो अच्छी बात नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि इसी टेबल के ऊपर हम वो केक्स हैं जो रखेंगे। तो मैं सभी को, जिनके बर्थडेज हैं, वो मैं चाहता हूं कि आगे आएं। पहले सिस्टर नसरीन आ जाएंगे, पापा जी आ जाएंगे, भाई वेवल आ जाएंगे। आप सबके लिए एक सरप्राइज प्लान था,
वो अभी आपको नजर भी आएगा। तो आप सारे जल्दी से आगे आ जाएं जिनके बर्थडे हैं, और इसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि रेवरेंट अजमल वो आगे आएंगे और इन तीनों के लिए दुआ मांगेंगे। ठीक है, जल्दी से आ जाएं, जल्दी से। कितने बर्थडे हैं जी? तीन तीन, एक अभी आने वाला है, वो भी सरप्राइज ही रहने देते हैं। वो क्या करते हैं जी, सरप्राइज बर्थडे रहने देते हैं। तो अच्छा, आप खुश हैं? कितना खुश हैं? थोड़ा सा या बहुत ज्यादा? अभी तो आपने बड़े बड़े काम देखने हैं। क्या देखने हैं जी? बड़े बड़े काम ऐसे चुपचाप नहीं देख सकते आप। यीशु मसीह बड़े बड़े कामों को करने के लिए जा रहे हैं। तो दो आगे, तीसरा नहीं आए भाई वेवल। वेवल साहब, तो इन तीनों के लिए आपने बेस्ट मांगना है। क्या करना है जी? बेस्ट दुआ करनी है कि परमेश्वर इनके जीवन में वो काम करे जो अब तक इनके जीवन में नहीं हुए, और जो आप बेस्ट मांगेंगे इसका बेस्ट आपको मिलने वाला है यीशु के नाम से। इसका क्या मिलेगा जी? बेस्ट मिलने वाला है। तो भाई वेबल भी आ चुके हैं, इनका नाम वेबल है, इनका नाम नथानियल मसीह है, इनका नाम सिस्टर नसरीन है। तो मैं चाहता हूं कि रेवरेंट अजमल खान हमारे बीच में है, वो इनके लिए दुआ करेंगे। खुदावंद, तेरे दरवाजे हमेशा हमारे लिए खुले रहते हैं। हम जब भी चाहें, जिस हाल में भी चाहें और जो कुछ भी चाहें उससे मांग सकते हैं। तूने कभी हमें मायूस नहीं किया। आज हम इन बच्चों के लिए जो तेरे हैं, तेरे नाम से हैं, तेरे खरीदे हुए हैं, तेरे खून से वाबस्ता हैं, इनको तेरे हाथ में देता हूँ। और एक नया साल जो तूने इनकी ज़िंदगियों में दिया है, ये बरकतों से भरा हो। और पिछले साल के अंदर की जितनी भी कमज़ोरियाँ खामियाँ थीं, वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएं, और ये तीनों तुझ में बढ़ते और तरक्की करते जाएं। yes, जिस तरह से जिस्म में तरक्की करते हैं, उस तरह से रूप में भी ये आगे बढ़ते रहें, क्योंकि हमारे लिए सबसे मुकद्दम और सबसे बेहतर रोल कुदस है, जिसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम उसमें आगे बढ़ें। और मैं तीनों को तेरे हाथ में देता हूँ, और तीनों के लिए खुदावन मैं एक दुआ तुझसे चाहता हूँ कि तू इन तीनों को अपनी पनाह में ले, और इनकी गुज़श्ता ज़िंदगी को जैसे भी खुदावंद तूने इनके साथ रखा, अपना रवैया इख्तियार किया, मैं मिन्नत करता हूँ कि बाकी ज़िंदगी तेरे साथ खुशियों के साथ ही गुजारे। इनके घर बार के लिए, इनकी इज्जत ज़िंदगी के लिए, इनकी फैमिली के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके अजीज रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों अहबाब के लिए, तमाम को एक एक करके अहबाब मैं तेरे सामने रखता हूँ, और तुझे मिन्नत करता हूँ कि तू अहबाब इन तीनों को अपने पनाह में रख, और ये वो काम जो आज तक तेरे जलाल को, तेरे नाम को जलाल देने के लिए नहीं कर सके, अभी इनको मौका दिया कि ये उस जलाल को अपनी ज़िंदगी से इजहार करें। और जब ये केक काटेंगे तो बाप हम सब इनके लिए अपने दिलों में भी और हाथ उठाकर इनके लिए दुआ करेंगे, ताकि खुदा इनको लंबी ज़िंदगी दे, और गुज़श्ता सारी ज़िंदगी के लिए हम सब शुक्रगुजार हैं। ये सब कुछ तेरे मीठे और प्यारे और जलाली नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन। चलो जी, हम सारे गीत गाएंगे और ये तीनों अपना अपना केक काटेंगे। ये पहली दफा हो रहा है कि तीन केक हम एक साथ काट रहे हैं ना। हालेलुया, खुदा जोर से ताली बजा सकते हैं परमेश्वर के लिए। है तेरा हमें ये दिन दिखाया है, खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। हम अपने बाल बच्चों पर सदा नजरें गरम करना, हमारे बाल बच्चों पर
सदा नजरें करम करना, कि जैसे आज तक रहमत का तेरी हम पर साया है, कि जैसे आज तक रहमत हम पर साया है, दाया शुक्र है तेरा हमें नया दिन दिखाया है। हालेलुया, जोर से ताली जाएंगे परमेश्वर के लिए, जोर से जोर से। अच्छा जी, आप सारे बैठ सकते हैं। ये कैंडल्स आपने ब्लो नहीं की, जल्दी से ब्लो कर देंगे। है हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू, परमेश्वर आप सबको बताई से बरकत दे। आप सब बैठ सकते हैं और लास्ट गीत की तरफ चलेंगे, अपना बेस्ट ऑफरिंग निकाल लें और जो केक वाले हैं वो केक उठा करके पीछे रख दें ताकि सारे इसको एंजॉय कर सकें। जितने लोग आए आपका बहुत धन्यवाद, और जो लोग नहीं आए उनको बहुत मिस किया है। इसके साथ साथ जो लोग खाने पीने की चीजों को लेकर के आए हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू पापा नथानियल एंड टू ब्रदर वेवल एंड टू सिस्टर नसरीन। चलो जी लास्ट गीत की तरफ चलते हैं। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू कॉल ब्रदर डैरिल टू कम फॉरवर्ड फॉर द लास्ट सॉन्ग। भाई डैरिल रहेगा नाम सदा थी कर मसीदा, रहेगा नाम सदा थी कर मसीदा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा, रहेगा जब तलक के उससे तो बरकता सब लोग पावन, के उससे तो बरकता सब लोग पावन, ते कौमा उस दिया धन्यवाद गावन, ते कौमा उस दिया धन्यवाद रहेगा नाम रहेगा नाम सदा ती कर्म सीधा, रहेगा नाम सदा ती कर्म सीधा, कहे रहेगा जतलक सूरज रहेगा, रहेगा जतलक सूरज रहेगा, जो इससे राई लिया दारा खुदा है, कहे जो इससे राई लिया दारा खुदा, कहे कहे अजायब कम करता तन सदा है, अजायब कम करता तन सदा है रहेगा नाम रहेगा नाम सदा ती कर मसीदा, रहेगा नाम सदा ती कर मसीदा, रहेगा जतलक सूरज रहेगा, रहेगा जतलक सूरज रहेगा, बुजुर्गी होती है दुनिया ते सारी, कहे बुजुर्गी होती है दुनिया ते सारी, कहे रहेगा नाम सदा ती कर मसीदा,
अच्छा बात यह कि हमारे बीच में भाई एरिक हैं, उनकी साम रीडिंग थी वैसे आज और वो नहीं पढ़ सके। मैं चाहता हूं कि भाई एरिक जल्दी से आगे आएंगे सभी ऑफरिंग्स के लिए, उनके साथ मिलकर के दुआ करेंगे। आ जाओ जी जल्दी से। कदूस 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 खुदावन रब अल फाज, खुदावन तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करते हैं तमाम नेमतों बरतों रहमतों के लिए जो तू हमारी ज़िंदगियों में मुहैया करता है। तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ हो आज की पूरी इबादत के लिए जो हम सब ने अच्छे से पार्टिसिपेट किया इंडिविजुअली। जो लोग यहाँ आए हैं तो सबको बरकतों से माला माल कर, और जो लोग नहीं आ सके उनको भी तू अपनी बरकतों में माला माल कर और नेक्स्ट संडे वो आ सके। और मैं ख़ास तौर पे इस हदीये गुजराने के लिए दुआ करता हूँ खुदावन, जिन लोगों ने दिए हैं खुदावन उनको ब्लेस कर और ये हदीया तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए इस्तेमाल हो। मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे खुदावन यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। चलो अभी अपने स्थानों से खड़े होंगे जल्दी से अपने स्थानों पर और रुबानी दुआ करेंगे और उसके बाद बरकत का कलमा भी पढ़ेंगे। जल्दी से जल्दी से। मैं चाहता हूं कि रेवरेंड अजमल को हम ये चांस देंगे कि वो करें। आप सब मिलकर बेशक आप मेरे साथ बोले या बाद में जैसे भी आपकी मर्जी, लेकिन बेहतर है कि साथ साथ बोलते हैं। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की आज बख्श दे, इस अपने कर्तव्यों को माफ करते हैं, तुम्हारे कर्तव्य माफ कर, हमें आजमाइश में पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब मरहूम ये सबसे फजल खुदा बाप की मोहब्बत और पाकरू की रफाकत और शराकत हाजरीन पर और जो किसी वजह से नहीं आ सके, और अमेरिका के क्लीशे पर, हिंदुस्तान पाकिस्तान के क्लीशे पर और आलमगीर क्लीशे पर आज से बता होती रहे, आमीन। हालेलुया हालेलुया लास्ट पा हालेलुया। आप बैठ सकते हैं, खुदावंदा सबको बताइए से बरकत दें। एक दो चीजें हैं जो अपने दिमाग में रखनी है, वो ये है कि हमारे बीच में ना भाई सुलेमान नहीं आए हुए। कौन नहीं आए हुए? भाई सुलेमान काफी देर से नहीं आ रहे। ही लॉस्ट हिज डैड। व्हाट डिड ही डू? ही लॉस्ट हिज डैड। तो वो नहीं आ रहे, वो इंडिया में गए हुए हैं। तो आप उनको अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इंडिया पाकिस्तान के सिचुएशंस हैं वो आपको पता ही है, कोई ये नहीं कि बताने पड़ेंगे। परसिक्यूशन काफ़ी लोगों के ऊपर होता है, तो आप अपने दिमागों में रखें, दुआ में रखें, भाई सुलेमान को अपने दिमाग में याद रखें, और जो लोग नहीं आए उनको भी अपनी दुआओं में याद रखें। अच्छा, खुदावंद आप सबको बताई से बरकत दे। जो लोग नहीं आए उनको बहुत मिस किया है, जो लोग आए हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद।